तो आज जो ब्लॉग की शुरुआत है वो शाम से हो रही है। रीज़न ये है कि ना अभी अपन ना आए थे, मतलब ऐसे निकले हुए थे, मतलब घूम ही रहे थे शंकर नगर के आसपास में। तो हम लोग बोले कि एक बार विश्व भारती में आते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पर विटारा ब्रेज़ा आई हुई है। तो जस्ट हमारे पीछे में विटारा ब्रेज़ा, अभी प्रशांत भैया लगे हुए हैं। अभी आपको दिखाएंगे विटारा ब्रेज़ा 2022 मॉडल कैसी दिखती है, क्या क्या फ़ीचर देखने को मिलेंगे। ऑन रोड प्राइस तो अभी नहीं आई हुई है, तो अपन उसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते फ़िलहाल के लिए। जैसी आएगी ऑन रोड प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी आपको दिखाते हैं 2022 की विटारा ब्रेज़ा। तो दोस्तों ये है 2022 की मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा, सॉरी विटारा नहीं, सिर्फ ब्रेज़ा। मतलब अब क्या है कि 2022 में काफ़ी चीज़ें अब आपको नई देखने को मिलेगी, जिसमें क्या है कि नाम में भी आपको नयापन अब नज़र आने वाला है। यानी विटारा जो है अब यहाँ से हटा दिया गया है, अब इसमें सिर्फ आपको ब्रेज़ा देखने को मिलेगा। तो अब आप इसको बोलोगे मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। अब ये क्या है कि ये पूरी तरीके से नई है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पुराने वाले मॉडल से कैरी फॉरवर्ड किया गया। बस मिरर को मत बोलना, ORVM जो है वो थोड़ा सा मतलब पहले ही वाला ही है, बट सारी चीज़ें अब इसमें अब आपको नई देखने को मिलने वाली है। जैसे कि अगर मैं इसकी प्राइस से ही शुरुआत करता हूँ, 11,02,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है। हर बार मैं ऑन रोड प्राइस बताता था, लेकिन इस बार क्या है कि एक्स शोरूम प्राइस से आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी अभी ताज़ा तरीन लॉन्च हुई है, तो इसके प्राइस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जब आएगा तो नेक्स्ट जो भी वीडियो जिस वेरियंट में बनाएंगे तो उसमें आपको मैं बता ही दूंगा। बाकी आप गाड़ी देख लो, ये क्या है कि 6 कलर के ऑप्शन के साथ में आती है, और जहाँ तक देखा जाए तो 3 जो कलर रहेंगे इसमें रहेंगे आपको डुअल टोन में देखने को मिलेंगे, जो कि अभी आप देख रहे हो रेड के साथ में ब्लैक, जो पियानो ब्लैक फिनिश आता है वो देख रहे हो। तो ये क्या है कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी कलर ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पर देख लो, जो भी कलर आपको अच्छे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हेडलाइट जो है इसकी ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ हेडलाइट कि कैसी क्या मिल जाती है। तो यहाँ पर आप हेडलाइट देख सकते हो। पहले क्या था, जो डुअल प्रोजेक्टर आता था वो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन था, लेकिन अब ये अलग डिज़ाइन के साथ में आता है। अभी भी डुअल प्रोजेक्टर दिया है, पूरा सेटअप LED में, और जो इंडिकेटर है ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है, ये यहाँ पर नज़र आ जाता है। और यहाँ पर जो ग्रिल है ये आप देख सकते हो, ये अब आपको टोटली नई देखने को मिल जाती है। सुजुकी का लोगो आ जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो पर्टिकुलर जिस वेरियंट की अभी हम बात कर रहे हैं ये है ZXi, यानी इसका सेकंड टॉप मॉडल। ZXi प्लस अभी नई आई हुई है, तो जब आएगी वो भी दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पर ये सिल्वर सा फिनिश आपको नज़र आ जाता है। फ्रंट का जो लुक है काफ़ी एक किलर और काफ़ी एक मॉडर्न सा यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। और यहाँ पर जो फॉग लैंप है ये इसमें आपको नहीं दिए जाएंगे। फॉग लैंप क्या है कि इससे ऊपर वाली जो वेरिएंट रहेगी उसमें आपको मिला करेगी। सॉरी यार हिल गया था। 16 इंच के इसमें आपको देखा जाए तो अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और अगर आप ZXi प्लस लोगे तो उसमें थोड़े से आपको डुअल टोन टाइप के अलॉय व्हील नज़र आएंगे। व्हील आर्चेस यहाँ पर आपको नज़र आ जाते हैं। बाकी एक जो चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी समय से इंतज़ार की जा रही थी, वो है मारुति की किसी गाड़ी में भैया सनरूफ दे दो। मारुति वालों से बड़ी यहाँ पर मतलब रिक्वेस्ट की जा रही थी, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। तो फाइनली देखा जाए तो ब्रेज़ा पहली गाड़ी होगी मारुति की जिसमें अब आपको सनरूफ भी मिला करेगा। तो यहाँ पर आप सनरूफ के मज़े ले सकते हो। ये जो RVM है ये आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ZXi यानी इसका सेकेंड जो टॉप आता है उसमें भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सनरूफ डुअल टोन का। यहाँ पर आपको रूफ मतलब जो रूफ है ये ब्लैक में नज़र आएगा, डुअल टोन कलर आ जाता है। बाकी बैक एंड में आओगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज़ इसमें पुरानी वाली नहीं ली गई है, तो टेल लैम्प भी अब आपको इसमें नया नज़र आने वाला है। ये पार्ट LED में, और यहाँ पर हेलोजन है, स्मार्ट हाइब्रिड आ जाता है जो कि मारुति अपनी अर्टिगा में भी दिया करता है। ब्रेज़ा की यहाँ पर आपको जो बैजिंग है नज़र आ जाएगी, सुजुकी का लोगो, वाइपर आ जाता है, डिफॉगर आ जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वॉशर के साथ में शार्क फिन एंटीना, और रूफ रेल आप देख सकते हो पियानो ब्लैक जो मतलब रूफ रहते हैं वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आएगा, और यहाँ पर कैमरा भी आप देख सकते हो। बाकी बूट स्पेस इसमें 328 लीटर्स की मिल जाती है, तो बूट स्पेस काफ़ी बड़ी और अच्छी खासी मिल जाएगी। स्टील व्हील आ जाएंगे जो कि मेरे ख्याल से इसमें दिया हुआ है 16 इंच के, तो 16 इंच के इसमें स्टील व्हील रहने वाले हैं। तो बूट स्पेस वगैरह आप देख लो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पार्शल ट्रे यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। बाकी यहाँ से आप इसको ग्रैब करके इसको कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हो। 48 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। बाकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में अगर इसके बात करें तो इसमें डुअल एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंटीरियर आपको दिखाते हैं सबसे पहले ब्रेज़ा के पीछे से, मतलब पीछे से शुरुआत करते हैं।
तो यहाँ पर आप रियर सीट देख सकते हो, यहाँ पर ये 60-40 स्प्लिट सीट आ जाती है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, फैब्रिक सीट अपहोस्ट्री मिल जाती है, और यहाँ पर आर्मरेस्ट की सुविधा मिल जाती है जिसमें दो कप होल्डर दिए गए हैं। मैप पॉकेट यहाँ पर आपको इसके सीट के पीछे में नज़र आएंगे, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक जो हुक है ये आपको नज़र आ जाता है। यहाँ पर AC वेंट की सुविधा इसके रियर में भी आपको नज़र आएगी। तो इंटीरियर का जो वाइब है, जो कलर है, वो काफ़ी अच्छा, क्योंकि ऊपर में आपको थोड़ा सा वाइट और नीचे में डुअल टोन कलर नज़र आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। रियर डोर का नज़ारा देख लो, यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको मटेरियल नज़र आ जाया करेगा। बाकी आ जाते हैं इसके फ्रंट सेक्शन में, तो फ्रंट सेक्शन के डोर का नज़ारा एक बार आप चेक कर लो, ये कुछ इस टाइप से रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच जो मटेरियल नज़र आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो सारे जो कंट्रोल्स है दिए गए, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, और जो स्टेयरिंग व्हील है ये आपको फ्लैट बॉटम में नज़र आएगा, जो कि कुछ मतलब आपने देखा है स्विफ्ट वगैरह में, हाँ मतलब ये आजकल क्या ट्रेंडिंग है, हर कंपनी अपनी गाड़ियों में दे रही है, तो इसमें भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो सीट आप देख सकते हो, ये क्या है कि हाइट एडजस्टेबल इसमें आपको सीट मिल जाया करेगी, और यहाँ पर 3 पैडल और एक डेड पैडल भी मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसके बोनट और जो फ्यूल कैप है ओपन कर पाओगे। यहाँ पर सारे जो कंट्रोल्स है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से आप जो ESP ऑन ऑफ कर सकते हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इस साइड में देखा जाए तो क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, और यहाँ पर देखते हो तो इंफोटेनमेंट का यहाँ पर जो सारा कंट्रोल्स है वो मिल जाएगा। बाकी अब आ जाते हैं इसके मतलब जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो कैसा रहने वाला है AC चालू है इसकी। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का इंटरफेस आप देख लो, आपने पहले भी देखा है, तो ये बलिनो टाइप का ये नज़र आ जाएगा, बीच में कलरफुल डिस्प्ले आ जाती है, और बाकी ये सारी चीज़ें जैसे स्पीड मीटर आ गया, फ्यूल मीटर, यहाँ पर RPM गेज है, यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर जो मतलब RPM गेज है, और यहाँ पर आ जाता है इसका फ्यूल मीटर, बीच में MID डिस्प्ले आ जाती है, जिसको अगर अपन आगे करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, तो इसके सीट के मतलब पैसेंजर सीट के नीचे में भी एक बैटरी दी गई है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और ये है इसकी 7 इंच की टच स्क्रीन फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, FM AM रेडियो, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, और आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी रन कर सकते हो, तो ये सारे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC जो इसमें मिल जाया करेगी, यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाएगी, और 5 स्पीड का गेयर बॉक्स सेटअप आ जाता है, 2 कप होल्डर आ जाते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ी सी जो है वो स्पेस दी गई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो ग्लव बॉक्स है ये आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाती है, एंड ये मतलब देखो इसका जो इनर रियर व्यू मिरर है ये आप देख लो। बाकी बड़े टाइम से क्या है कि सनरूफ का इंतज़ार हो रहा था, तो सनरूफ भी अब आपको इसमें मिल जाएगा, तो सनरूफ भी अब इसमें दी जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार कि इसमें सनरूफ भी दी जा रही है, सनरूफ भी मिल रही है, तो ये सारे जो फीचर्स है इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो कंट्रोल्स, यहाँ पर हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर अब कंट्रोल्स, और यहाँ पर वाइपर के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। अब आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कार तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अभी क्या है कि नया डिज़ाइन है, तो नए डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी इसको अच्छा बनाया गया, तो एक बार ओवरव्यू आप देख सकते हैं। बाकी एक छोटा सा एक क्विक सा व्लॉग था, इसको यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।